सहारनपुर थाना सदर बाजार सौंदर्यकरण के उपलक्ष्य में पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी करकमलों द्वारा फित्ता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी देहात सागर जैन, सम्मानित व्यक्ति व पार्षद गण आदि उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार शिवमणि त्यागी ने किया। सहारनपुर पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी। अभी कहाँ आ रहे हो यहाँ? पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे आवेंगे ही आवेंगे। और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आज इसका यहाँ महिला शक्ति है, एक महिलाओं की ओर से और एक व्यापारियों की ओर से कुछ सुझाव नहीं आया और एक सज्जन और हैं बोलना चाहते हैं, तो आप तीनों एक के बाद एक बोल दीजिएगा और जब एसएसपी महोदय यहाँ आएंगे वो तीनों का जवाब दे देंगे और अपनी बात कहेंगे। आदरणीय डीआईजी सर, आदरणीय एसएसपी सर को नमस्कार, और आप सभी इतनी दूर से आए हैं आप सभी को नमस्कार। जैसा कि एसएसपी सर ने कहा, डीआईजी सर ने कहा, आप इतने लोग प्राइवेट ड्रेस में बैठे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई थाने का फंक्शन है। इस चीज़ के लिए हम आभारी हैं। आमतौर पर पुलिस की किसी भी आयोजन में प्राइवेट लोगों की भीड़ बड़ी कम देखने को मिलती है। हम लोगों को लगता है कि पुलिस का ही आयोजन है, लेकिन ये भ्रम आपने इस बार तोड़ दिया है। इसके लिए एक बार और मैं तालियों की गड़गड़ाहट चाहूँगा सभी के लिए। और दूसरी बात, ये मात्र एक जीर्ण उद्धार का प्रोग्राम था, लेकिन हम लोगों ने इतनी ज्ञान की बातें सुनी आदरणीय एसएसपी सर से, डीआईजी सर से और जन प्रतिनिधियों से। मुझे आज थाना सदर बाजार के कार्यालय प्रभारी निरीक्षक कक्ष और ये शेड, आगंतुक शेड जो बना है, इसके निर्माण और जीर्णोद्धार के मौके पर यहाँ हमारे बीच मौजूद हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे डीआईजी साहब श्री अजय साहनी साहब, जो कि दो बार प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल विनर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैंने सर के अंडर में ही ट्रेनिंग ली थी आजमगढ़ में, और सर का नाम सुन के ही अपराधी जिला छोड़ देते हैं, तो जहाँ जहाँ अपराध है वहाँ वहाँ सर गए और सर के बाद फिर अपराध वहाँ समाप्त हुआ। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद अरविंद जी भाई साहब, जो कि हमेशा जनता की समस्याओं और सुझावों को लेकर तत्पर रहते हैं और बड़ी सटीक उसमें समाधान भी, ये एक गुणी व्यक्ति की पहचान होती है कि वो समस्या ही नहीं बताता, वो समाधान भी बताता है। पहले 30 सेकंड आप समस्या बताते हैं और फिर बाद के 30 सेकंड आप एक या दो समाधान बताते हैं कि इनका ये समाधान हो सकता है। तो ऐसे हमारे अरविंद जी भाई साहब हैं, हमारी राज विहार रेजिडेंशियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बत्रा जी, हमारे पुलिस पेंशनर्स के हमारे साथी एसपी पवार साहब, एसपी सिटी साहब, सीओ साहब, एएसपी अंडर ट्रेनिंग साहब और इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मौजूद मेरे सभी साथी पुलिसगण, हमारे ग्राम प्रहरी और यहाँ मौजूद हमारे मीडिया के बंधु, आज यहाँ पर आप सभी को बुलाया गया है क्योंकि ये थाना आपका है। अभी पुनीत जी चले गए, वरना मैं उनके मजे लेता कि उन्होंने अपने बचपन के
स्मृतियां सुना के ये स्थापित कर दिया कि थाना पुलिस का नहीं उनका है, कि पीछे क्रिकेट खेलते थे, आगे बैडमिंटन खेलते थे, बीच में पुलिस काम करती थी। तो ये बात सत्य भी है, ये थाना आप ही लोगों का है। हम केवल काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसी मनोभाव से हमने ये निर्माण करवाए हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कोई पुलिसकर्मी रहेगा या उसका निवास है या उनके परिवार रहेंगे, यहाँ पर आप लोगों का काम होगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, इसीलिए ये कार्यालय में मरम्मत करवाई गई है, चीज़ें व्यवस्थित करवाई गई हैं, प्रभारी निरीक्षक का कक्ष अच्छा करवाया गया ताकि आप लोग आए, आपको बैठने के लिए अच्छी जगह मिले, अच्छा वातावरण मिले। ये शेड बनाया गया क्योंकि जब मैं आया था मैं देखता था कि यहाँ पूरे परिसर में लोगों के बैठने के लिए केवल वो बरामदा है और सारे लोग वहीं इकट्ठा होते हैं, उससे ना तो काम हो पाता, ना आदमी आराम से बैठ पाता, ना आदमी अपनी बात कह पाता। बारिश आ जाती है तो सब लोग यहाँ वहाँ किनारा ढूंढते हैं, इसीलिए ये शेड बनवाया गया। क्योंकि पुलिस का काम ऐसा है कि तत्परता से कई बार कार्रवाई होती है, कई बार आपको इंतजार भी करना पड़ता है। अभी मैं जनकपुरी थाने गया था, वहाँ पर एक कोई घटना घट गई तो इंस्पेक्टर साहब चले गए किसी घटना को अटेंड करने, तो मैं वहाँ बैठ के उनका इंतजार किया आधे घंटे। तो पुलिस का काम तो ऐसा है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, घटना महत्वपूर्ण है। जो आपने बताया अभी व्यापार मंडल की तरफ से कि सुधार हुआ है और ये निरंतर सुधार हम करते जाएंगे, कोई हमारे लिए कोई एसपीओ नहीं है, हमारे लिए सभी एसपीओ हैं, सभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, सभी प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है और जिस व्यक्ति की समस्या ज्यादा गंभीर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम समस्या के आधार पे उसको पुलिस अटेंड करती है, ना कि व्यक्ति के आधार पे कि साहब किसी को तो एक थप्पड़ मारी गई पुलिस तो सारी वहां खड़ी है और किसी का मर्डर हो गया उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो गंभीर है पुलिस पैसे उसको अटेंड करेगी, सभी के लिए समान पॉलिसी है। जो हमारे बीच में सुझाव आए थे वो सभी सुझाव हमने नोट किए हैं, कईयों पे कार्यवाही हुई, कईयों पे और कार्यवाही होगी। जो हमारे व्यापारीगण आए हैं, व्यापार मंडल से जो हमारे मित्र आए हैं, हमारे सीनियर आए हैं, उनकी भी समस्याओं को हम निरंतर सुनते रहते हैं। हर महीने पुलिस लाइन में एक औद्योगिक बंधुओं के साथ में और एक व्यापार मंडल के साथ में हमारी मीटिंग होती है, थानावार भी होती है, कई बार थानों पे काम काज ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो पाती, तो उसको हम निरंतर रूप से करेंगे। वैसे कि कोई प्राणी, इंसान तो इंसान जानवर भी, पुलिस के सहयोग के बिना व्यवस्था में कायम नहीं रह सकते, लेकिन सबकी समस्याएं अलग है, तो इसीलिए सबसे पुलिस वार्ता करें, उनकी समस्याएं जानें, उनकी समस्या का निस्तारण करें और घर बैठे आपको सेवाएं मिले। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुदृढ़ की जा रही है निरंतर कि आप ऑनलाइन बैठे अपनी एप्लीकेशन टाइप करें, EFIR की सुविधा है, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन यहां मंच पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर साहब, विभाग कार्यवाहक अरविंद जी, अरोरा साहब, एसपी सिटी, एसपी देहात, एएसपी, सीओ सदर और यहाँ मंच पे हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर साथी हैं जो बहुत साल पहले इस थाने में कार्य भी कर चुके हैं और वो भी यहाँ आए हुए हैं। उसके साथ यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित बंधुओं, हमारी माताएं बहनें जो यहाँ आई हुई हैं, पत्रकार बंधु, हमारे साथी पुलिसकर्मीगण और हमारे जो ग्राम प्रहरी आए हुए हैं, मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो एक बेहतरीन काम उन्होंने सदर बाजार थाने में किया है। निश्चित रूप से एक अच्छी लीडरशिप होती है तो परिणाम भी अच्छा होता है और SSP सहारनपुर साहब की मेहनत और उनकी टीम की मेहनत का ये परिणाम है कि थाना नहीं लग रहा है, कोई 5-star होटल लग रहा है। तो और अभी थोड़ी देर पहले विपिन ने जैसा कहा कि पुलिस स्टेशन है, पुलिस लाइन है, ये सब आप लोग का है, पुलिसकर्मी आते हैं और ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो जो लोग यहाँ पर स्पीच दे रहे थे, किसी ने बबलू कुमार का नाम लिया, किसी ने आकाश तोमर का नाम लिया, फिर आज विपिन बोल रहे हैं, ये साक्षात इस बात का है प्रमाण कि हम लोग या अन्य अधिकारीगण आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप लोग वही हैं जो सभी अधिकारियों के साथ रहे हैं और सबने कुछ ना कुछ किया है
आप लोग कई बार थानों में आए हैं और धीरे धीरे जो प्रोग्रेस होता गया उसको आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है। एक पार्षद जी अभी जब बोल रहे थे तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि हम लोग की बातें थानों में सुनी जाए प्रॉपर, और हम लोगों को पब्लिक हम लोगों के पास आती है और हम लोग की बातें हम लोग को कहनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को डायरेक्ट पता नहीं होते हैं कि हमें कैसे FIR करानी है, बाकी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होती हैं तो हम लोगों को बताते हैं। यह आपका बहुत बेहतरीन सुझाव था, और जैसे कि अभी अरविंद जी भाई साहब ने बोला कि न केवल जनप्रतिनिधिगण बल्कि हर व्यक्ति, हर नागरिक जो समस्या से पीड़ित है उसी भावना से उसको सुनना और जो भी हमसे संभव हो सके उसकी समस्याओं का निस्तारण करना हमारा उत्तरदायित्व है निश्चित रूप से। और माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP महोदय का भी हम लोगों को लगातार यही निर्देश है कि चूंकि जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके पास जनता भारी संख्या में आती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थाने डायरेक्ट नहीं जाते हैं या अपनी बात जनप्रतिनिधि से कहने में ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और इसीलिए हम समाज में अगुआ भी चुनते हैं, जनप्रतिनिधि भी चुनते हैं ताकि अपनी बातें कह सकें। तो बार बार हमें ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जाता है कि जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनका थाने में पर्याप्त सम्मान किया जाए और उनकी जो भी सही बातें हों उनका सुनकर उचित निस्तारण किया जाए। और अगर किसी ने जनप्रतिनिधिगण को कोई गलत बात बता के अपने लिए कोई सिफारिश की है तो पुलिस का यह भी उत्तरदायित्व है कि उनको इस बात से सूचित कर दे कि आपके द्वारा जो बताया गया है उसमें इतनी सच्चाई है और ये बातें गलत है, ताकि वो संबंधित व्यक्ति को उतनी ही गंभीरता से आगे लें। बहुत बेहतरीन सुझाव है, और सारे पुलिसकर्मी इवन हम लोग मंथली हम लोग की बैठक भी होती है सभी के साथ, और आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं, हर लेवल के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि अब ऐसी कोई दूरी बची नहीं है पुलिस में और लोगों में कि हम अपनी बात कहीं कह नहीं सकते। व्यवस्था इतनी बेहतर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस समय हो गई है, और व्यवस्था इतनी उत्तर पुलिस विभाग को दी गई, हमें संसाधन दिए गए और हमारे पुलिसकर्मियों ने घोर परिश्रम किया। जो गाड़ी आपके पास डायल 112 की 4 से 5 मिनट या 6 मिनट में पहुंचती है, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें घोर परिश्रम हुआ। जब ये योजना की शुरुआत हो रही थी उस समय हम और BP एक ही जनपद में थे, बात आगे बढ़ती गई, एक एक पॉइंट हम लोगों ने उस समय नोट करा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाखों पॉइंट की ये, क्योंकि हमें लैंडमार्क की उस समय जरूरत थी। अगर कोई कॉल कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है, क्या पूछेंगे, गाड़ी पहुँचेगी कैसे, एक एक मंदिर, मस्जिद, हाई स्कूल, हॉस्पिटल, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हर चीज़ को हम लोगों ने मार्क किया और एक एक डिस्ट्रिक्ट में लाखों लाखों पॉइंट बनाए। उस पॉइंट के आधार पर इसकी शुरुआत हुई। इसके पीछे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो आरक्षीगण हैं, वो बाइक से जा जाके 112 के हर जगह इन्होंने पॉइंट्स बनाए, पूरे प्रदेश में करोड़ों पॉइंट क्रिएट किए गए, जिसकी वजह से आज हमारी फोर्स 5 मिनट में 6 मिनट में 7 मिनट में जैसे ही आप कॉल करते हैं तो आपके घर पहुँचती है और पहुँच के प्रॉपर रिस्पॉन्स करती है। जो ये समस्या होती थी कि पुलिस में हमारी सुनवाई नहीं होती, हम थाने जाते हैं तो कोई हमसे बात नहीं करता, वो बात अब खत्म। उनको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इस समय जो प्रशासन है उसने जितने भी उठाई गिरे छिछोरे या गुंडे एक्टे उनके की नाक में दम कर रखा है। इस समय किसी की हिम्मत नहीं है, किसी मजाल नहीं है कि कोई कुछ वारदात कर सके। सर्वप्रथम आज इस परिवार में, पुलिस परिवार में आके ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में अपने परिवार के बीच में बैठे हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। और आज इस थाना सदर की बिल्डिंग को देखकर सहयोग से एक ऐसी मीटिंग थाने में 3 महीने में या 6 महीने में एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें हमारे और आपके बीच एक संवाद स्थापित हो, क्योंकि हर मोहल्ले के अंदर हर और हमारे सामने तो बहुत ही एक्टिव है, तो यदि हमारे और आपके बीच इस तरह का कार्यक्रम की कवरेज के लिए पहुंचे हैं, अपनी ओर से भी और पुलिस परिवार की ओर से भी स्वागत करा रही है, इसका भी स्वागत। थैंक यू SSP सर, बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन एक थोड़ा सा चैलेंजिंग आपका